नमस्कार दोस्तों, आहूजा सिनेमा प्रोडक्शन हाउस में आपका स्वागत है। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको एक अनोखी जानकारी देना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटा के प्रसिद्ध खड़े गणेश जी मंदिर के बारे में। भगवान गणेश जी को समर्पित खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से एक है। खड़े गणेश जी का यह पवित्र मंदिर कोटा में गणेश नगर में स्थित है, जो चंबल नदी के बिल्कुल नजदीक है। भगवान गणेश जी के इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि मंदिर में भगवान गणेश जी की मूर्ति खड़ी अवस्था में है, जो कि पूरे भारत में भगवान गणेश जी की एकमात्र खड़ी मूर्ति मानी जाती है। खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा का सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है, जो 600 साल से अधिक पुराना है। गणेश चतुर्थी कोटा का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे यहाँ बड़े उत्साह के साथ जुलूस निकाल कर मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। भगवान गणेश जी के इस मंदिर में एक कुंड स्थित है तथा एक गणेश उद्यान भी स्थित है, जिसके आसपास बहुत संख्या में मोर उपस्थित रहते हैं, जो कि इस गणेश उद्यान की शोभा बढ़ाते हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर में आकर भक्तों द्वारा मांगी गई सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आते ही रहते हैं। भगवान गणेश जी के इस मंदिर में बुधवार को मेले का आयोजन होता है। खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो रेल और सड़क मार्ग दोनों से ही आ सकते हैं। ये खड़े गणेश जी महाराज का मंदिर है, बहुत पुराना इतिहास है इसका, बहुत पुरानी मूर्ति है ये। पहले किसी जमाने में ये चबूतरे के ऊपर होया करती थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक छोटी छतरी बनी यहाँ पर, वो छतरी में रहते थे ये। उसके बाद फिर अभी ये 2014 से लेकर 2016 तक ये खड़े गणेश जी का मंदिर है, ये ट्रस्ट ने मंदिर बनवाया। फिर ये जो यहाँ का ट्रस्ट है, ओम सिंह जी अध्यक्ष हैं, ओम सिंह जी मुख्य पुजारी हैं यहाँ पर। और ये मूर्ति है, मूर्ति बहुत चमत्कारी है। जो भी सात बुधवार सच्ची भावना से आता है, उसकी कोई भी मनोकामनाएं वो पूरी होती है। और आज से 20 साल पहले ये मूर्ति पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं थी। अब तो क्या है, कुछ लोगों ने इनकी नकल देख के और इनके रूप में मूर्ति बना दी इन्होंने। और जो मूर्ति ये है, जो इसके अंदर है, इस मूर्ति के अंदर, वो उनके अंदर नहीं है, वो खाली एक वो बना दिया उन्होंने। बाकी ये मूर्ति बहुत शक्तिशाली है। मुझे आज यहाँ कम से कम 45-46 साल हो गए, 12 साल की उम्र से मैं सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरे गुरु जी ने लगा दिया था, मैंने कई चमत्कार देखे हैं इनके, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जो आदमी की आँखें खुल जाए, आदमी की पैरों तले की धरती हिल जाए, ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं। पर यह है, बात यह है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसकी आँख माँ ही सुन सकती है और दूसरा नहीं बता सकता। पर भगवान का चमत्कार है, वो भक्ति देख सकता है, भक्ति महसूस कर सकता है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं महसूस कर सकता। ये दो चीज़ें कुछ संसार में प्रभु ने ऐसी बनाई है कि माँ के पेट में 3 महीने बाद बच्चा हिलता है तो माँ को पता रहता है, लात मारता है तो माँ को पता रहता है। भगवान का जो भक्त होता है तो भगवान जो भी इशारा देता है वो इशारा उसको मालूम पड़ जाता है, उसको पता लग जाता है। तो आज मैं 12 साल की उम्र से सेवा कर रहा हूँ, तो भगवान जो भी इशारा देते हैं मैं समझ जाता हूँ कि अब ये होने वाला और ये होगा। तो ये मूर्ति भैया जी बहुत बड़ी चमत्कारी मूर्ति है और बहुत अपना आप में मतलब एक शक्ति पीठ है।